नमस्कार, मैं सुनीत बगई राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की तरफ से बताना चाहूँगा कि दिनांक 13 और 14 सितंबर 2023 को राजस्थान के समस्त पेट्रोल पंप सुबह 10 बजे से लेके सायंकाल 6 बजे तक बंद रखे जाएंगे एवं 15 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे। इसका मुख्य कारण है कि राज्य सरकार ने वैट इतना बढ़ा दिया है कि आज हम पड़ोसी राज्यों से सबसे महंगा तेल यहाँ बेच रहे हैं। भारतवर्ष की बात करें तो हमारा राज्य दूसरे नंबर पे आता है जहाँ सबसे महंगा तेल बिकता है। पड़ोसी राज्यों से हमारे डीजल की रेट लगभग 11 से 12 रुपए लीटर महंगी है एवं पेट्रोल में 15.5 रुपए लीटर महंगा है। ये सरकार द्वारा लगाए गए अधिक वैट रोड सेस के कारण है। पिछले कई महीनों से हम राज्य सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कृपा करके वैट को कम किया जाए, जिससे कि जनता को महंगाई से राहत मिल सके एवं पेट्रोल पंप वाले अपना व्यवसाय सुचारू रूप से चला सके। परंतु अचंभे की बात यह है कि सरकार ने इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। एक ओर महंगाई राहत कैंप लगाए जा रहे हैं, दूसरा महंगाई का सबसे बड़ा मुद्दा है पेट्रोल डीजल के भाव। अगर इसको कम नहीं किया गया तो जनता को राहत नहीं मिलेगी और जनता त्राही त्राही कर रही है। आप देखें कि आज जो इंसान या व्यक्ति राजस्थान में रह रहा है उसका पेट्रोल डीजल का बिल लगभग 20% ज्यादा आ रहा है, जबकि वही व्यक्ति अगर राज्य के बाहर नौकरी करता है तो उसका बिल 20% कम आता है, जबकि बराबर तनख्वाह मिलने वाले के लिए ये बहुत बड़ी खर्चा है। हम सरकार को एहसास दिलाना चाहते हैं कि महंगाई राहत तभी हो सकती है जबकि रेटें कम की जाएं। 13 तारीख को एवं 14 तारीख को सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक पेट्रोल पंप बंद रखे जाएंगे। इसका कारण है कि ऑफिस जाने वाले लोग सुबह पहले पेट्रोल डीजल ले लें और जो ऑफिस से वापस लौट रहे हों वो शाम को 6 बजे बाद ले लें। और हम अपना संदेश सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, अगर सरकार ने 13 और 14 तारीख को हमारी मांगे नहीं मानी तो 15 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। हम चाहते हैं कि जनता हमारा सहयोग करे एवं वैट को कम कराने में इस आह्वान को सफल बनाए। धन्यवाद।